अच्छा एक मेरे मेरे सवाल का जवाब तो देना, आप तीनों हस्बैंड्स इस बात पर बिलीव करते हैं कि शादी को चलाने के लिए उसमें एफर्ट करनी पड़ती है? तो ये क्या कर रहा था मैं? जवाब मिल गया, आप तो एफर्टलेस गए हैं बिल्कुल। नहीं, आप एक एक करके मुझे जवाब दे। नुमान आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल अच्छी बात है, मैं तो ये कहता हूँ कि मोहब्बत भी अगर आप जताई जाती है, हाँ। अगर जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो उसका एहसास नहीं होता। हाँ। तो मोहब्बत का बताना चाहिए। कोई एक टिप दे दूसरे हस्बैंड को जो कभी बताई नहीं, जो जो शादी को बेहतर करने के लिए हस्बैंड कर सकते हैं। अपनी वाइफ को मिसाल देता हूँ कि हाँ। इंसान अपना गुर्दा भी निकाल के रख दे ना, तो सामने वाली जो बीवी होती कहती है उसके शौहर ने अपना बड़ा वाला गुर्दा दिखाया, तो साइज बड़ा। आजकल फोन मांग रही हूं ना, इसीलिए गुर्दा याद आ रहा है। हाँ। तो बेसिकली नहीं, आप अभी मैं शुक्र कर गुर्दा बेचा नहीं हूं, आईफोन ले ले, ऑप्शन अच्छा। मैं बीवी को ताना देने का नहीं पूछा, मैंने बोला कि दूसरे हस्बैंड को एक टिप दे कोई कि शादी को अच्छा चलाने के लिए हस्बैंड को क्या एफर्ट करनी चाहिए, कोई एक टिप दे। ये बेसिकली चीज़ तो मेजर जो चीज़ है ना वो ये है कि आप सब शादी ना करें। नहीं नहीं ये क्या करने आए ये नहीं दे सकते, तख्ता पलट ये टिप्स नहीं दे सकते, हमसे ले आप, ये नहीं देंगे। तो हस्बैंड को क्यों टिप दोगी? मैं चाह रही हूं कि निकले निकले चलो, कोई है बड़ी बड़ी नाजुक सी चीज है बेसिकली खाने की तारीफ कर दिया करें, जो मेजर चीज है जो बड़े प्यार से मेहनत से बनाती है वाइफ, और हमारे घर की लेडीज भी माँ हो बहन हो कोई भी हो, बड़ी खुश हो जाती है इस बात के ऊपर, पूरे दिन से पका रही होती है खाना वगैरह, और हम जाके उसको खा के अगर नहीं भी अच्छा लग रहा, कभी हमारा मूड खराब है या कभी अच्छा नहीं है, तो तारीफ कर दें, आपका आधा दिन तो कम से कम अच्छा गुजरे। okay, बुराई, बुराई करने का सोच सकते हो, हिम्मत ही नहीं होती। अच्छा आप शबीर भाई टिप दें, आप टिप दें कोई हस्बैंड को। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि मेरी बेगम ने मुझे ना कपड़े याद रखे आपको देखे देखे। अभी बेगम को कोई ताना नहीं मारना, कुछ दूसरे हस्बैंड को टिप दें। बस मेरी बेगम ने मुझे मैसेज भेजा था कल कि बीवी को गले से लगा के उससे मोहब्बत का एहसास दिलाना भी सदका है। फॉरवर्ड मैसेजेस पे आया था। हाँ, इन्होंने भेजा था मुझे। अच्छा। आज की सबसे अच्छी टिप, सुपर क्यूट। फिर आप कहते हैं दूसरे हस्बैंड्स को भी ये तो यही करो, माशाल्लाह मैंने भी किया था। आवाज इतनी धीमी, शब्बीर भाई बेस कहाँ गई? बेस हमारी बेस तो यही है। बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, अगर हकीकत आप पूछे तो इंसान तो चाहता है कि घर का माहौल अच्छा रहे। कौन चाहता है कि घर में झगड़े हों, लड़ाई हों, कुछ बिल्कुल उसमें थोड़ी सी हमारी कोताहियाँ होती हैं, जिसमें बाहर की मसरूफियात भी होती हैं, दस जगह आप किसी मामले में उलझे भी होते हैं, बीवी समझती है मेरे से उलझे में, तो ये इस वजह से थोड़ा सा दोनों को समझना चाहिए, बाहमी इत्तेफाक से और समझदारी से चलना चाहिए ताकि माहौल अच्छा रहे। ओके आपकी टिप मनाज, कुछ टिप दे पर सना हंसना नहीं तुम। मेरी जब वो टिप दे रहे होंगे तो तुम हंसोगे नहीं। पहले तो सोचने दे, टिप तो निकले पहले। मैं इतनी जल्दी आ गया मेरे पर, आप तो थोड़ा सा लंबा लेते हो ना, सोचते पूरा एपिसोड 150 दिन आखिर में आई हूं। सबसे आखिर में आई हूं मैं ना, बैठी दे दीजिए 150 दिन। ये कैसी टिप है? इतनी छोटी छोटी टिप थी, मेरे टाइम पर फौरन जल्दी आ गई। चलिए अब देना, मैं कह रहा हूं देखिए, देखें दोस्ती आ रही और ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे। हाँ। मेरा तो बेसिक बस ये है कि ट्रस्ट हो, ट्रस्ट होगा आपकी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट क्या करनी चाहिए हस्बैंड को, ये मेरा सवाल है। रिपीट, बीवी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हाँ। ये नहीं कि वो बीवी आपकी तारीफ की वो नहीं है, मोहताज नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ। क्योंकि उसकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, जैसे मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी उसकी भी, तो आप उसको इतना वैल्यू करें कि उसकी जो भी सोच है वो उसकी सोचा और अब उसको वो करे इम्पोर्टेंस दें। हमारे यहाँ होते ये ना कि वो खाना बनाए तो तारीफ कर दें, घर को साफ रखा, तो बहुत सारी बीवियाँ जो खाना नहीं बनाती, जो काम नहीं करती, जो घर बाहर का काम करती हैं, तो आप वो भी तो उसको भी तो वैल्यू करते ना। हमारी मेरी वालदा जो थी वो हाउस वाइफ थी, मेरी बेगम हाउस वाइफ नहीं है ना, मेरी बेगम तो बाहर काम करती है, तो इक्वल है। मैं उसको इक्वेट नहीं कर सकता कि मेरी अम्मा से मैं इक्वेट करूं, क्योंकि मैंने क्योंकि बचपन में वो देखा था। लेकिन आई थिंक इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी है बेगम की उसको इंडोर्स करना चाहिए, उसको ये नहीं कि
मियाँ ने तारीफ कर दी तो वो अच्छी हो गई, वो वैसे ही अच्छी है. तो मेरा पता था सना किस चीज से खुश होगी. वो ही छोड़ तो हमारे लिए मुश्किलें कर रहा है. क्योंकि हर औरत को आप भी है तकरीबन रिस्पेक्ट चाहिए. रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस, वो आज सही पकड़ के ले आया. Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.